हेलो दोस्तों, आज हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, पंचायती राज संस्थाओं के निरंतर स्तर पर कौन है। पंचायती राज संस्थाओं के निरंतर स्तर पर कौन है, तो कौन है हमारा, ग्राम सभा पंचायत है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है, तो कौन है, तो हमारा जिला परिषद है, ठीक है, ऑप्शन नंबर से जिला परिषद ही होता है, सबको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज की आधारशिला है, पंचायती राज का आधारशिला है कितने दिनों का है। पंचायती राज का आधारशिला है ग्राम सभा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज समिति का मुख्य निष्पादक होता है। पंचायती समिति का मुख्य निष्पादक होता है, कौन होता है, खंड विकास पदाधिकारी होता है, जिसको हम लोग BDO बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला परिषद का मुख्य कार्य है, जिला परिषद का मुख्य कार्य है क्या है, समन्वय पर्यवेक्षण, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है, पंचायती राज के मुख्य उपलब्धि है क्या है, राजनीतिक चेतना का विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज की प्रधान समस्या है, पंचायती राज की प्रधान समस्या है क्या है, यानी कि दलगत राजनीति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं। जो हमारा सांसद और विधायक होते हैं किसके पदेन होते हैं, यानी जिला परिषद के, यानी ऑप्शन नंबर ए सी सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत निर्वाचन करना निर्भर करता है, ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन कराना निर्भर करता है किसका होता है, यानी कि राज्य सरकार का होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायती समिति एक डैश है, ब्लॉक लेवल पर पंचायती समिति क्या है, यानी प्रशासनिक प्राधिकरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य पंचायती समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं। सामान्य पंचायती समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, तो कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन कर रहा है पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य, यानी कि सभी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही वरीयता क्रम है, एक नंबर ग्राम सभा, दो नंबर पंचायती समिति, तीन नंबर जिला परिषद, उत्तर निम्नलिखित जोड़े को चुनिए। इसमें इसका रहा है सीरियल बाई लगाने के लिए, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो हमारा एक नंबर में ग्राम पंचायत आएगा, दो नंबर में पंचायती समिति आएगा, तीन नंबर में जिला परिषद, यानी सीक्वेंस में ही है ही, सीक्वेंस में हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय है, पंचायती राज किसका विषय है, यानी राज्य सूची का है, ठीक है, पंचायती राज विषय है, राज्य सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है, वो हमारा स्थानीय मेलों का कर वसूला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, कौन सा संशोधन कहता है, तो हमारा वो कहता है 63वां संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, पंचायती राज पर स्थानीय पंचायती स्तर पर राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो हमारा कौन करता है, पंचायत सेवक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज के तीन स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है, वो हमारा कौन नहीं आता है, हमारा तहसील स्तर नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये तो सबको पता ही है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो अपनाई गई थी वो हमारा लोकतंत्र के शक्तियों का विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, तो सबको मालूम ही है पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, हमारे कितने होने चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में क्या नहीं आता है, इसमें से ऑप्शन ए ग्रामीण सड़कें,
उमोद्योग, कृषि उत्पाद, माध्यमिक शिक्षा, इसमें से कौन नहीं आता है? हमारा इसमें आता है माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है ग्राम पंचायत के कर क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू दोस्तों।